स्वागत है। यह है ईस्टमैन कंपनी की तरफ से 2 किलोवाट एमपीपीटी सोलर पीसीयू, जो कि पीडब्ल्यूएम पीसीयू से कहीं ज्यादा गुना बेहतर है। अभी इसको हम अनबॉक्सिंग करने से पहले थोड़ा उसका पैकिंग के बाहर का जो स्पेसिफिकेशन है और क्या कुछ है इसके पैकेट के बाहर, वो सब वगैरह कुछ देख लेते हैं। अभी ये बॉक्स बहुत बड़ा, बहुत भारी है, यानी कि 30 किलो का वजन है ये पैकेट, और इसके अंदर है एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर यानी कि पीसीयू। अभी इसके जो फ्रंट साइड में आप देख रहे हैं, बड़ा सा लोगो दिखाई इसमें की तरफ से और एनर्जी अनलिमिटेड, और ये आपका जो एमपीपीटी का जो फोटो दिया गया है इसके ऊपर, और ये कुछ नीचे कुछ लिखा गया है जैसे कि डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले, इनबिल्ट एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, एप्लीकेशन हॉस्पिटल, स्कूल, होम इंडस्ट्रीज, पेट्रोल पंप एंड बैंक एक्सेट्रा। अभी इन सारे जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लोड कैलकुलेशन है यानी 2 किलोवाट पे आप कम से कम 1.9 किलोवाट का आप इसमें लोड डाल सकते हो, इसलिए ये बहुत ज्यादा चलता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। बाकी इसमें और साइड में लिखा गया कि ये 24 मंथ वारंटी है, यानी 2 साल का इसमें वारंटी है। अभी हम चलते हैं साइड की तरफ से। अब साइड की तरफ में आएंगे तो फिर लिखा गया ईस्टमैन एनर्जी अनलिमिटेड और कुछ छोटा सा स्पेसिफिकेशन स्टिकर, जहाँ पे आपको दिख रहा है बार कोड और सीरियल नंबर वगैरह, और यहाँ पे लिखा गया मॉडल नंबर ईपीएम 2024 वोल्ट, रेटिंग हो गया 2 किलोवाट यानी 2 केवी हो गया, सीरीज हो गया पैरेलल सीरीज हो गया, और क्वांटिटी है 1, और मैन्युफैक्चरिंग देखिए दिसंबर 2019, यानी बहुत ही अच्छा चलता है। अभी एमआरपी देखिए 29,101 रुपये, और बाकी कुछ स्पेसिफिकेशन आप जब खरीदेंगे तो आप देख सकते हैं, और बाकी सब यह सब इसकी जानकारी इस साइट में लिखा गया है। तो नया ही पैकेट है जैसे कि देख रहे हैं पॉलिथिन रैप, इसको हम अभी खोल लेते हैं, उसके बाद ही इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के लिए मेरे साथ ही मेरे दोस्त वगैरह हैं, उनको बोलेंगे कि अनबॉक्सिंग कीजिए। ये खुल गया अनबॉक्सिंग। ये कार्टून निकलने के बाद ये आपको मिलता है कि बैटरी का सीरीज टर्मिनल और कुछ थर्मोकॉल, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट में ये सारा चीज़ आता है तो टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसलिए ये थर्मोकॉल दिया गया है। ऊपर की तरफ से आप देख रहे हैं इसका वारंटी कार्ड, और देखते हैं कितना बड़ा है, यानी कि जितना जनरल इन्वर्टर होता है उससे कई ज़्यादा गुना ये बड़ा है। देख के लग रहा है कि बहुत ही अच्छा वाला चीज़ है, और ये ठोस मजबूत है, यानी कि अच्छा वाला कैबिनेट भी इस्तेमाल किया गया है। अब इसको ऊपर निकाल के देखते हैं, देख रहे हैं दोनों भाई मेरे उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहा है, बहुत वजन इसका भारी है। भाई आराम से उठाइए, अब भी नहीं उठ रहा है, थोड़ा मैं भी कोशिश कर लेता हूँ। अब ये देखिए पूरा उठ गया, जैसे कि एक छोटा मिनी डीजी होता है जैसे, वो ये डीजी की तरह से ही है। देखिए कितना भारी भरकम और बहुत ही बड़ा और लाजवाब चीज़ है। सीएमपीपीटी इन्वर्टर के साथ इसको आपको एक यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड दिया गया है, इसका 2 साल की वारंटी है, और बहुत कुछ आपको लगाने के लिए कैसे कनेक्शन होगा क्या क्या कुछ है सब इसके अंदर लिखा गया है। अभी इसको रखते हैं साइड में, और बाकी सीरीज का जो अभी तार दिया गया है, अभी देखिए इसमें 16 square mm यानी कि सबसे मोटा और अच्छा वाला इसको वायर दिया गया है, क्योंकि ये हीट ज़्यादा ना हो इसलिए दिया गया है। अभी चलिए देखते हैं बॉक्स के साइड और फ्रंट लुक, क्लोज लुक। तो अभी इसके फ्रंट साइड में आएंगे तो देखिए कितना बहुत ही बड़ा यानी कि कंसोल दिखे, और इसमें बहुत सारा इंडिकेटर लाइटिंग भी है, यानी कि सिस्टम ऑन, इन्वर्टर ऑन, एसपीवी चार्ज, ग्रिड चार्ज, बैटरी ओवर मेंस, ये बहुत कुछ लिखा गया, फॉल्ट, एमपीपीटी ओवरहीट, और ये एक रीसेट स्विच भी दिया गया है, और ये कुछ ऑप्शंस वगैरह जो कि आगे हम जब इसको डेमो करेंगे उसका सारे ऑप्शन आपको हम दिखाएंगे। और ये लिखा गया ये ग्रीन इनोवेशन फ्रॉम ईस्टमैन ग्रुप, यानी कि ये बहुत अच्छा माना जाता है, और ये रीसेंट प्रोडक्ट है, यानी कि मान के चलिए 2019 का 2 किलोवाट का ये प्रोडक्ट है, इससे पहले 3.5 किलोवाट का इसका निकल गया था, 2 किलोवाट आने में थोड़ा देर हो गया, और ये रीसेंट प्रोडक्ट है, यानी कि बाहर से आप देखिए कितना अच्छा और मजबूत दिख रहा है, और कैबिनेट चेसिस इसका भी बहुत ही दमदार है, आप देख सकते हो, देखिए बहुत ही दमदार है चेसिस का। में देखेंगे जैसे कि एयर पासिंग के लिए देखिए छोटा छोटा होल नीचे की तरफ दिया गया है, यानी कि अंदर का जो मटेरियल है और बाकी जो सारा सिस्टम है वो ठंडा रहेगा। अभी हम पीछे के साइड में आएंगे तो बहुत ही सारा चीज़ इसके पीछे है, जैसे कि हम इसका जो ऑप्शन चेंजर, ये रेगुलेटर हो गया और फ्यूज हो गया, और ये बाईपास ऑप्शन भी है इसके अंदर, और ये कूलिंग के लिए कूलिंग फैन, और कुछ स्पेसिफिकेशन इसमें जो स्पेसिफिकेशन दोस्तों दिया गया है वो पहले से ही हम जो कार्टून था उसके अंदर उसके बाहर भी लिखा गया था वही चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं सीमेंस कंपनी का एनसीबी, आप ऑनलाइन में भी देख सकते हो, ये बहुत ही अच्छा एनसीबी से जो कि बीसी एनसीबी बनाती है, बहुत अच्छा कंपनी, और वही अच्छा वाला चीज़ें इसके अंदर यूज़ किया गया है, और ये कनेक्टर वगैरह हो गया जो कि ये हो गया सोलर पैनल के लिए, और ये हो गया लाइन इन और लाइन आउट के लिए, लोड के लिए, और ये कितना मोटा और भारी भरकम वायर दिया गया है आप बैटरी को जोड़ने के लिए, और यहाँ पे ये अर्थिंग का ऑप्शन दिया गया है, और 16 mm का वायर दिया गया है, आप देख सकते हो कितना मजबूती से इसको बनाया गया है। ମୋଡ଼ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖେ ତ କୋଉ କୋଉ ମୋଡ଼ରେ ଜଣେ ହଠାତ୍ ଜଣେ କିଣିବ ସେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ସେଟିଂ କରିବ ନା ସେଟିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ମୋଡ଼ରେ ସେଟିଂ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ମୋଟର ବଟନ୍ ଆସିଥିଲା।